पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कंटेंट के मामले में अगर सबसे सुपरहिट ड्रामा देखना हो ना तो जियो पर आने वाला ड्रामा खई देख लेना, क्योंकि ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर इस ड्रामे को जियो एंटरटेनमेंट के अलावा नेटफ्लिक्स के अमेजोन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करा जाता तो इस ड्रामे के कॉन्टेंट के अंदर इतनी काबिलियत है कि ये ड्रामा उन ओटीटी प्लेटफॉर्म के टॉप शोज को खा जाता। खैर वापसी आते हैं खई ड्रामे के ऊपर, तो बॉस आपने वो सुना होगा कि नथिंग इज स्वीटर देन रेवेंज, बोले तो बदले से ज्यादा मिठास किसी और चीज में नहीं है। तो अगर आपने इस बदले की मिठास का ही मजा लेना है ना तो कई ड्रामा इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। इस ड्रामे की अभी तक के 26 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर लीडिंग कैरेक्टर के अंदर दुर्रफिशां बहुत ही आपको मासूम लगने वाली हैं। लेकिन भैया इनके मासूम चेहरे पे मत जाना, क्योंकि बंदी ने बिना कोई गोली चलाए सिर्फ अपना दिमाग चलाकर एक ही खानदान के 4 लोगों को मौत के घाट सुला दिया है। और इन सब चीजों की वजह है बदला लेना अपने बाप और अपने भाइयों के कत्ल का, जो ये एक एक करके लेने वाली है। इस ड्रामे को खास बनाती है इस ड्रामे की कहानी और ड्रामे में काम करने वाली कास्ट, जो इतने परफेक्ट तरीके से अपना काम कर रही है ना कि आपको हर करेक्टर देखने में मजा आने वाला है। एक और खास बात, ड्रामे की कंप्लीट शूटिंग करी गई है गिलगित जैसे एरिया के अंदर, और अच्छी बात यह है कि ड्रामे में काम करने वाले हर करेक्टर ने गिलगित के एक्सेंट को अच्छे तरीके से कॉपी किया है। और बॉस एक्टिंग की तो क्या ही बात है, अब चाहे वो चनार खान हो या फिर बल्लास खान और दुर्राब खान की तो अलग ही बात है। खैर ड्रामे की आने वाली 27वीं एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जमदा ने जिस तरीके से बादल को एक जाल के अंदर फंसाया है ठीक इसी तरीके से बादल को वो इस जाल से नेक्स्ट एपिसोड के निकालने वाली है। लेकिन मजे की बात बताऊं मैं आपको कि बादल को फंसवाने के बाद संदा ने अपना करेक्टर तो साफ कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बादल को रिहा करवाने के बाद अब सारा शक चनार खान की पहली बीवी पे होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक छोटा सा काम यार, के चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए मजे मजे की वीडियो लाता रहूं। खैर जो लोग इस ड्रामे को पहले एपिसोड से देख रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि ड्रामे को पहले एपिसोड से 10 एपिसोड तक के ऐसा लगाया गया कि जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ड्रामे को सिर्फ 16 किस्तों के अंदर एंड कर दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब ड्रामे की कामयाबी को देखकर ड्रामे को बहुत ज्यादा ड्रैग करा जा रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ड्रामे को देखने में अभी भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सौ की एक बात भाई साहब, अगर आप खई जैसा मास्टरपीस ड्रामा नहीं देख रहे हो तो बाद में मत कहना कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर आपको प्यार मोहब्बत वाले कॉन्टेंट से कुछ हटकर देखने को नहीं मिलता।